सब? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अब सुबह के ना 7 बजने वाले, थोड़ी देर पहले ही सो के उठी मैं। और कल हमारी एनिवर्सरी थी शादी की, तो शाम को गए थे हम, अच्छा से इंजॉय किया। सारा दिन कल बहुत अच्छा बीता। अब मुझे याद आ रही है चाय, मीठी मीठी वाली चाय। चाय पीने के बाद ना मैं अच्छे से बात कर पाऊंगी। अभी भी खुमार है नींद का, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ बनाने चाय। आगे मैं किचन में, किचन की विंडो अभी तक खुली नहीं है। और ये कल एप्पल, खीरा, गाजर, ये मुझे बहुत पसंद है। सब लेके आए थे, बाकी फ्रिज में रख दिया, इतना बाहर रखा खाने के लिए। अभी चिक्कू है, चिक्कू बहुत अच्छा लगता है मुझे, चिक्कू। आगे में चाय लेके आज बनेगी बंद गोभी, कैबेज और मटर। मुझे तो बहुत पसंद है, सच्ची टेस्टी बनता है बहुत। या इसका भुजिया बना लो, मतलब फ्राई वाला, या हल्का मसाला डाल के। ये बाहर रखिए ना। क्या कर रहे हैं? खीरा काट रहे हैं। सलाद खाने के लिए।
कैबेज की सब्जी बन रही है और अभी बनाना है चपाती। और आज टिफिन में तो मिथिली जी वो ले जाएंगे, मूंग और चना को ना हमने रात को भिंगो दिया था और उसको रात को नहीं इसके पहले वाले रात को भिंगाया था, फिर उसको ना मैंने बांध दिया था स्प्राउट होने के लिए, तो आज वही लेके जाएंगे। ऑफिस मिथिली से जा रहे हैं। हमारे इसमें कि हम अपने पति के ही नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए मुझे आपका नाम लेना अच्छा लगता है। बाय। अभी दोपहर के 3:30 बजे और मैंने बना लिया है टी चाय, बट ये मिल्क वाली नहीं है, ये ब्लैक टी। अभी मैं ब्लैक टी पीऊंगी और मैंने आज हेयर वॉश किया, बाल सूखे नहीं है अभी, सूख जाएंगे शाम तक। अब मैं यहाँ के बैठ गई चाय पीने के लिए, मुझे यहाँ बैठ के पेड़ों को निहारते हुए चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ना मार्च में होली के टाइम में मुंबई जाने वाले हैं, क्योंकि ना मेरा बहुत सारा मैं बहुत थोड़ा सा मतलब कपड़े और बर्तन लेके आई थी ना, और वहाँ बहुत सारा है पर्दे वगैरह, तो वो सब भी लाना है, तो वहाँ जाएंगे वो सब कुरियर करेंगे और होली बिताएंगे अपने बेटे और बहू के साथ, रोशनी और अभय के साथ, ऐसा हमने सोचा है। टिकट भी होने ही वाला है। और इस चेयर का कवर अच्छा लग रहा है ना, मैं ऑनलाइन मंगाया इसे, इन्हें स्ट्रेचेबल है, किसी बड़े चेयर में छोटे चेयर में किसी में भी इसको आप डाल सकते हैं, गुड क्वालिटी, बहुत गुड है, प्रिंट तो बहुत ही सुंदर है, मैंने पसंद किया था।
ये जो बालकनी में मेरे कपड़े दिखते हैं ना सूखते हुए, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं इतने साल मुंबई में रही थी ना, तो हमारे फ्लैट में ना वहाँ बालकनी नहीं है, तो मेरे कपड़ों को ना इतनी कड़क धूप नहीं मिलती थी। तो यहाँ जो बालकनी है, तो इतने सालों बाद मेरे कपड़ों को धूप नसीब हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ कपड़ा सुखाना एकदम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मैंने हमेशा बोतल में पानी भर के यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, ताकि आते जाते नजर पड़े और पानी पीना याद रहे। अच्छी हवा आ रही है बालकनी में। स्कूल के बच्चे यहाँ नारियल के पेड़ भी बहुत है, नारियल के पेड़ और आम के पेड़ बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आम के मौसम में यहाँ पे आम बहुत सस्ते होते होंगे, इतने सारे पेड़ हैं सबके घर में ना, एक दो आम पेड़ तो है ही। ज्यादातर यहाँ बंगलोज है ना, सब बंगलों में ना दो चार पेड़ आम के जरूर है और नारियल के। यहाँ पे जब भी कोई मतलब मैंने देखा है कि हर घर के सामने एक पेड़ होता है, तो ये जब भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो घर बनाने के साथ साथ वहाँ पर एक दो पेड़ भी लगाते हैं, तो इसलिए आपको हर घर के सामने पेड़ मिलेंगे और रोड तो भर गए हैं उसी पेड़ से, मतलब रोड पे लगाते हैं लोग, घर के बाहर एक पेड़ लगाते हैं। ये मैंने बैंगलोर में भी देखा था और यहाँ भी वैसे ही है। ऐसा हर जगह होना चाहिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। मेरे पास अगर जमीन जब होगी ना कभी भी, तो मैं एक बगीचा जरूर लगाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है। और आज भी कुछ ना शाम को सब्जी वब्जी नहीं बनाना है, क्योंकि ना कैबेज की सब्जी मैंने कैबेज की सब्जी ना मैंने बना ली थी, तो वो अभी भी है, तो शाम का उससे भी हो जाएगा, देखेंगे। अंडा का ऑमलेट या कोई अंडा का एक फ्राई कुछ बना लें। यहाँ रखना था मुझे, और कुछ कुछ कपड़े भी सूख गए हैं जिससे। इसको अंदर रख दूं, यहां रख देते हैं, बाद में इसको फोल्ड करके रखूं। हाँ, नीचे सामने ना एक मूंगफली वाला, कच्चे मूंगफली को ना फ्राई करके छिलके के साथ उसको फ्राई करके और बेचता है, रोज आके शाम को यहाँ पर खड़ा होता है वो मेरी बालकनी के नीचे। एक दिन मैं भी मंगाऊंगी, अभी तक लिया नहीं मैंने कभी मूंगफली उससे। मूंगफली वाले
अकेला रोज वहां खड़ा रहता है, शाम के वक्त आता है, टन 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 अपनी जो कढ़ाई है ना उसको बजाता है। सोचा मैं भी मंगाऊंगी एक दिन।